आरपी भारत केवल खबरें और कुछ। नमस्कार, मैं हूं अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। पेट्रोल के मूल्य वृद्धि पर कांग्रेसियों का पेट्रोल पंप के सामने धरना। पेट्रोल कीमत वृद्धि पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं सहित उच्च अधिकारियों ने गोविंदपुर में मोहन पेट्रोल पंप के सामने धरना दिया। संवाददाताओं से बात करते हुए उन लोगों ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत कम गई, इसके बावजूद भी तेल की कीमत में इतना उछाल जनता के लिए त्रासदी है। जब तक सरकार मूल्य में कमी नहीं करेगी तब तक कांग्रेस पूरे देश में इस तरह का धरना देती रहेगी। धनबाद से मनीष कुमार झा की रिपोर्ट। प्रयोजन किया है और कौन कौन लोग आज का इस विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम हमारे केंद्रीय कमेटी और राज्य के कमेटी के आदेशानुसार राज्य के पूरे सभी प्रखंडों और नगरों में किया जा रहा है। जिस तरह से बेतहाशा रोज आज लगभग 18 से 23 दिनों के भीतर में डीजल और पेट्रोल का वृद्धि हो रही है, जिसे आम जनमानस काफ़ी प्रभावित हुए हैं। इस कोविड-19 के महामारी में लोग और जिस तरह से लोग अभी आर्थिक वृद्धि से भी परेशान हैं और इस समय इस डीजल और पेट्रोल का बढ़ना ये अत्यंत दुखदायक है। इसे सभी गरीब जनमानस प्रभावित हो रहे हैं, जिसके विरोध में आज हमारे केंद्र कमेटी और राज्य के कमेटी द्वारा हम लोगों को निर्देश प्राप्त हुआ है कि सभी जगह सभी प्रखंड के अंतर्गत और नगरों में इसका विरोध करना है, जिसके तहत आज ये कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। गोविंदपुर प्रखंड अंतर्गत हमारे भारत पेट्रोलियम के समीप गोविंदपुर बाज़ार में ये स्थित है, यहाँ पर हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और हमारे बीच मुख्य रूप से हमारे कांग्रेस के नेता हमारे बड़े भैया अशोक सिंह जी यहाँ पर उपस्थित हैं और हमारे कांग्रेस के प्रखंड के पर्यवेक्षक भी यहाँ पर उपस्थित हैं, दिलीप मिश्रा जी और विदेशी सिंह जी भी उपस्थित हैं और तमाम हमारे कांग्रेस के सभी कार्यकर्तागण यहाँ मौजूद हैं। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस राष्ट्र विरोधी है, हमने जो पेट्रोल का दाम बढ़ाया है इससे हम सुरक्षा बलों के लिए व्यवस्था दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर, कौन राष्ट्र विरोधी है स्पष्ट होता है कि लोग भुखमरी की स्थिति में हैं और ये लोग डीजल और पेट्रोल में वृद्धि करके मुनाफाखोरी कर रहे हैं। ये किसी आम जन से छुपा हुआ नहीं कि कौन इस समय गरीबों पर अत्याचार कर रहा है और कौन मुनाफाखोरी कर रहा है और कौन भ्रष्ट है और कौन राष्ट्र विरोधी है, ये देखने की चीज़ है। ये कितने दिनों का प्रदर्शन है? हम लोग का ये लगातार चलता रहेगा कार्यक्रम। जिस तरह से हमारा केंद्र और राज्य का हम लोग का आदेश प्राप्त होगा, जिला से आदेश होगा, हम लोग ये कार्यक्रम लगातार करते रहेंगे जब तक ले ये डीजल और पेट्रोल का दाम कम नहीं किया जाएगा। मनोज कुमार हाड़ी, कार्यकारी प्रखंड अध्यक्ष गोविंद। जानना चाहूँगा, जिस समय कांग्रेस की सरकार थी उस समय भी पेट्रोल के दाम बढ़े थे और आज भी बढ़े हैं, आज विरोध प्रदर्शन क्यों? ऐसा है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो कच्चे तेल की कीमत आसमान छू रही थी। आपको याद होगा 12-13, 11-12 जो साल है $120 कच्चे तेल की कीमत चली गई, जबकि आज मात्र 20 से लेकर के $35 के बीच में कच्चे तेल की कीमत चल रही है। तो आप समझिए कि जब $120 तेल की कीमत थी उस वक्त भी डीजल पेट्रोल की कीमतें इतनी नहीं थी जितनी इस बार बढ़ गई। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की पूरी तरह से नाकामी है और गरीब जनता के शरीर से माने सरिंज लगा करके खून जैसा निकाला जाता है, उस प्रकार सरकार ये तेल की मूल्य वृद्धि करके गरीब आदमी के शरीर से खून का निष्कासन कर रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि डीजल के दाम पेट्रोल से आगे निकल गए, ये पहले कभी नहीं हुआ, इससे क्या कहना? देखिए, ये तो पूरा खेल टैक्स के ऊपर में है। मूलतः डीजल महंगा होता है पेट्रोल से, अगर उसका बेसिक प्राइस आप जानेंगे तो बेसिक प्राइस हमेशा, आज नहीं शुरू से, डीजल थोड़ा सा महंगा होता है, 20 पैसा के करीब प्रति लीटर महंगा होता है।
लेकिन दिल्ली में दिल्ली सरकार ने चूंकि दोनों का टैक्स राज्य कर जो होता है वो दोनों को 30% कर दिया, इसलिए दिल्ली में डीजल महंगा हो गया, पेट्रोल सस्ता हो गया। हालांकि झारखंड में भी आप देखेंगे तो डीजल और पेट्रोल में अभी भी 3.5 रुपये से ऊपर का अंतर बना हुआ है। सर आखिरी प्रश्न रहेगा आपसे कि सरकार कहती है कि हमने जो भी यहाँ से पैसा लिया है रक्षा पर खर्चा किया है और राष्ट्र का रक्षा जरूरी है, इस पर क्या कहते हैं? देखिए मोदी सरकार के बातों पर और मोदी जी के बातों पर कभी कभी हंसी भी आती है। अभी जो राष्ट्र के नाम संबोधन अभी उन्होंने किया है 17 तारीख को, तो इसमें उन्होंने स्पष्ट गिना दिया है कि हम गरीब जनता को 1.5 लाख करोड़ रुपया खिलाने में खर्च कर रहे हैं। उन्होंने हिसाब जुड़ाया है 8 महीने का कि जब से कोरोना आया है तब से लेकर के और नवंबर तक का उन्होंने हिसाब दिया है कि 1.5 लाख करोड़ रुपया मुझे खिलाने पे खर्च हुआ है। लेकिन उन्होंने ये हिसाब नहीं बताया है कि इस कोरोना जैसे संकट में वो 2 लाख करोड़ रुपया टैक्स से वसूल लिए हैं डीजल पेट्रोल में, तो किस बात का खिला रहे हैं? हमारा पैसा हम ही से निचोड़ करके और हमको दे करके और वो बाबा ही लूट रहे हैं। तो इसीलिए ये सरकार टैक्स पेयर का तो उन्होंने धन्यवाद किया है, आपने अगर सुना होगा तो टैक्स पेयर का उन्होंने धन्यवाद किया, लेकिन जो आम गरीब आदमी से पेट्रोल में टैक्स वसूल रहे हैं तो आम गरीब जनता का धन्यवाद नहीं किया कि भाई आप एक लीटर पेट्रोल अगर कोई गरीब आदमी भराता है तो 33 रुपया टैक्स वो केंद्र सरकार को दे देता है। तो जो इतना भारी भरकम टैक्स दे रहा है तो हम अपने पैसे से मुझे ही आप दे रहे हो और आप दानी बन गए हो। ये प्रदर्शन कब तक चलेगा सर? ये ब्लॉक स्तर पे केंद्र का निर्देश है कि जब तक कीमतों में गिरावट नहीं आती है, सरकार अपने करों में गिरावट नहीं करती है, तब तक समय समय पर चरणबद्ध तरीके से इस मूल्य वृद्धि के खिलाफ कांग्रेस आंदोलन करती रहे। सर अपना पद बता दें। अशोक सिंह, जिला परिषद सदस्य, धनबाद। धन्यवाद।